फ्रेंड्स, वेलकम टू पकवान रेसिपी इन हिंदी। मैं आज बनाऊंगी छेना मुर्गी। बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी है, आप जरूर ट्राई करें। इसे आप पनीर मुर्गी भी बोल सकते हैं, पनीर का कुरमा भी बोल सकते हैं और छेने का शकरपारा भी बोल सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो आइए चलते हैं छेना मुर्गी बनाने। छेना मुर्गी बनाने के लिए सबसे पहले हम शुगर लेंगे 250 ग्राम, पनीर 250 ग्राम स्क्वायर शेप में कट कर ली हूँ कुछ इस तरह से छोटे छोटे। चाशनी बनाने के लिए हाफ कप वाटर, 3 छोटी इलायची जिसका मैं सीड्स निकाल कर कूट लूंगी, रोज वाटर 1 टी स्पून, मिल्क 2 टेबल स्पून। तो आइए चलते हैं, देर नहीं करें और छेना मुर्गी बनाएं। छेना मुर्गी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे। पैन अगर आप नॉन स्टिक लेते हैं तो बहुत अच्छा है, उसमें मुर्गी चिपकेगा नहीं। अब हम पैन का फ्लेम को ऑन कर देंगे, ऐड कर देंगे शुगर और इसी वक्त हम ऐड कर देंगे वाटर और इसे अच्छी तरह चलाते हुए हम एक तार का चाशनी बना लेंगे। फ्लेम हम हाई रखेंगे कि जल्दी से चाशनी बन के रेडी हो जाए। जब तक चाशनी बन के रेडी हो रहा है तब तक मैं इलायची का सीड्स निकाल कर उसे कूट लेती हूँ। शुगर अच्छी तरह डिसॉल्व हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इस वक्त हम चाशनी को फ्रेश करने के लिए इसमें मिल्क ऐड करेंगे। हम मिल्क इसलिए ऐड करते हैं ताकि हमारा चाशनी फ्रेश हो जाए। अगर आपका शुगर थोड़ा गंदा हो, अच्छी तरह से हम इसमें उबाल आने देंगे। मैं इसे लो फ्लेम पे रखती थी कि ताकि अच्छी तरह चाशनी में बॉयल आ जाए और इसमें का जो गंदा है वो एक साइड हो जाए। आप देख सकते हैं साइड साइड में ये हल्का हल्का गंदा सा जम गया है। इसे स्पैचुला के हेल्प से हम ऐसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसके फ्लेम को हाई कर देंगे और एक तार की चाशनी बना लेंगे। चाशनी चेक करने के लिए हम एक प्याला लेंगे, इसके फ्लेम को हम लो कर देंगे और प्याला में ऐसे डालकर इसे ठंडा कर लेंगे। ज्यादा नहीं, 2-3 ड्रॉप प्याला में डालें और इसे ठंडा करके आप चेक कर लें। ठंडा होने के बाद ऐसे एक तार की एक छोटी सी लाइन बनना चाहिए, आप देख सकते हैं एक तार की चाशनी बन जाए। तो इस वक्त हम पनीर ऐड कर देंगे और फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। इसे ऐड करने के बाद हम इसके जमने के फॉर्म में ना आ जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। ध्यान रहे मीडियम ही फ्लेम होना चाहिए, नहीं तो पनीर हार्ड हो जाएगा। इसी वक्त हम इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। इसे बच्चे बहुत ही पसंद से खाते हैं, आप जरूर अपने घर में बनाएं। आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें, नहीं तो इक्वल शेप में शुगर पनीर पे अच्छी तरह नहीं कोट होगा। आप इसे किसी भी स्पेशल फेस्टिवल या ओकेजन पे बना सकते हैं, जैसे कि आप दिवाली हो या फिर होली हो, ईद हो या फिर कोई भी फेस्टिवल हो आप बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और इजी भी। आप देख सकते हैं मुर्गी बनके रेडी हो चुका है। इसका जो चाशनी था बिल्कुल वाइट वाइट दिखने लगा है। अब इस वक्त हम इसमें रोज वाटर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसके फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक जाली स्टैंड पे रख देंगे और कंटिन्यू चलाते हुए हम इसे ठंडा करेंगे। आप ऐसे ही छोड़ ना दें, नहीं तो पनीर पे अच्छी तरह कोटिंग नहीं होगा शुगर का। इसे मैं कंटिन्यू चलाते हुए
अलग कर रही हूँ और ये किस तरह से ठंडा होकर पनीर में एक दूसरे से लिपट रहा है शुगर के साथ। इसी तरह हम ठंडा कर लेंगे, कंटिन्यू चलाएं जरूर, नहीं तो शुगर का कोटिंग अच्छी तरह नहीं होगा और एक दूसरे में ये चिपक भी जाएगा। और इसे मैं अब सॉल्व कर लूंगी। आप शुगर को, जो एक्स्ट्रा शुगर है इसे निकाल दें, उसके बाद सॉल्व करें। और जो शुगर बच जाए उसे आप चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी लड्डू बनाने में या फिर किसी भी मिठाई बनाने में आप उसे यूज कर सकते हैं। तो मैं इसे सर्व करके आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा छेना मुर्गी बनके रेडी हो चुका है। आपने देखा कितना इजी मेथड से मैंने इसे बनाया। ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी है, इसे जरूर ट्राई करें। अगर आप किसी भी फेस्टिवल पे बनाते हैं या फिर आपके घर कोई गेस्ट आ रहा है उस समय बनाते हैं तो आपकी तारीफ किए बिना वो लोग नहीं जाएंगे। आप इसे जरूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। शेयर करें, कमेंट करके फीडबैक जरूर दें ताकि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए नई नई रेसिपी लेकर आती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।